हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज फिर आपके लिए एक पैचवर्क का बैग लेकर आई हूँ। और ये बैग हमारा शॉपिंग बैग है और काफ़ी बड़े साइज़ में बनने वाला है। तो इस तरह से 6 पीस हमें लेने हैं। मिक्स मैच कोई भी कपड़ा हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। साइज़ लेकिन एक होगा 4x4 का। तो शुरुआत करते हैं सारे पीसेस को जोड़ने की। और ये सब बचे हुए कपड़ों से ही बनाने वाला बैग है और एक नया पैटर्न भी बन जाएगा। तो इसको एक करके जोड़ लेंगे। इस तरह से 6 पीस जोड़ करके 4x4 के 6 पीस हमने जोड़ दिए। और इसी तरह से 6 पीस जोड़ करके 6 पट्टी और बनाएंगे। और इसको हम कुछ इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर 6 पीस की अभी 5 लाइन जोड़ी हैं। अब ये जोड़ देंगे तो ये पूरी 6 हमारी हो जाएंगी। तो और एक स्क्वायर पीस हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब ये जो पट्टी भी बनाई थी इसमें हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और इस तरह से ये पूरा स्क्वायर पीस हमारा तैयार हो गया। और इसमें टोटल 36 पीस लगे हैं। तो 36 पीस का एक स्क्वायर पीस ये बनेगा। यहाँ पर हमने अब ये फोम और लाइनिंग ले ली है। अब इसको हम क्विल्ट करना शुरू करेंगे। तो किसी भी एक साइड से क्विल्ट करना शुरू करेंगे। तो पहले एल शेप में इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर ये एल शेप हमने सिल दिया है। और ये जो लाइन आई है, अब इसके किनारे से हम एक लाइन इधर चलाएंगे और एक लाइन इधर चलाएंगे। जैसे यहाँ पर जोड़ है तो इधर एक चाप की दूरी से इधर, एक चाप की दूरी से इधर, सारी लाइनिंग पहले हम सीधी सीधी काट लेंगे। और कपड़े को प्रेस करते हुए इधर लेके आएंगे और इधर चिकना करते जाएंगे, स्ट्रेट करते जाएंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। और इसमें इस तरह से डबल लाइनिंग सिलने के बाद पीछे से आपको दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरह से जो जॉइंट आए हैं यहाँ पर, उसके किनारे किनारे हमने डबल मशीन चलाई है। इसी तरह से सेम अब हम इधर से पूरा चेक काट देंगे। और ये हमारा पीस क्विल्ट हो गया। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। तो इधर से निशान लगाएंगे किसी भी एक कॉर्नर से, 7 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे, 7 इंच इधर लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमको ये 10 इंच मिल जाएगा। अब इस पर हम एक लाइन खींच लेंगे और इसको कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अब इस कॉर्नर से 7 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे। और 7 इंच के बाद अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरी एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये जो हमने 10 इंच का एरिया नीचे काटा था यहाँ पर, तो इस कॉर्नर से इस 7 इंच पर हम लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच दी और इस पर अब हम एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन को खींचने के बाद इसको हम कट कर देंगे। अब इसको कट करने के बाद ये जो हमारा 10 इंच का एरिया है, इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये 5 इंच है हमारे पास। अब यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। इस जो कटिंग किया है पीस, इसको फोल्ड करेंगे, इसको बराबर रखेंगे और इसको यहाँ तक ले आएंगे। पूरा इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये हमको इस तरह से पीस मिल जाएगा। और अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से बराबर मिलाते हुए ये हिस्सा कट कर देंगे। अब इसको
भी हमने कट कर दिया, ये पीस हमको कुछ इस तरह से मिल गया। अब ये दोनों जो कॉर्नर है इसको यहाँ से सीधा मिला करके लाइन खींचेंगे और कट कर देंगे। अब हमको मेन पीस हमारा कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन हो करके मिलेगा। अब दूसरा पीस लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसको इस तरह से, क्योंकि हमारा जो पैच है वो ट्रायंगलर शेप में आना चाहिए इस तरह से, तो इसको इस पर इसे यहाँ रखेंगे और चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम पिन लगा लेंगे, इसके बाद कट करेंगे। ये हमारी हो गई कटिंग कंप्लीट। अब ये दोनों हमारे पीस कुछ इस तरह से कट के तैयार हो गए हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे, सेंटर निकालेंगे, ये हमारा सेंटर हो गया यहाँ से। अब इसमें हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, 8 इंच का डिस्टेंस लेंगे, 2 इंच डाउन जाएंगे, निशान लगाएंगे, ये 2 इंच है, यहाँ से 2 इंच में निशान लगाएंगे और इस बेल्ट को इस तरह से सीधा रखते हुए इस तरह से अटैच कर देंगे। अब इसको इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ पर मैंने ये ट्रायंगलर शेप के 4 पीस लिए हैं, 2 यहाँ लगा देंगे हम और इसको हम इस तरह से लगाएंगे और एक इस तरह से लगाएंगे। तो इसको पहले हम फोल्ड करके तैयार कर लेंगे इस तरह से। इसको पिन से अटैच करेंगे, और इस पर किनारे किनारे मशीन चला देंगे। इसी तरह से इस पर भी लगाएंगे और इस पीस पर भी हम सेम मेजरमेंट करके हैंडल लगा करके और ये पैच लगा देंगे। और ये हमने हैंडल दूसरे पार्ट में भी जोड़ लिया है, ये दोनों तैयार हो गए। ये कुछ हमने इस तरह से तैयार कर लिया, हैंडल लगा लिया। अब हम लेंगे 6x10 इंच का एक क्विल्टेड पीस जो मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया है और इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे और इसमें ये दूसरा पीस भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसको सिलने के बाद इन दोनों पर हम पाइपिंग भी चढ़ा देंगे। अब इसको हमने पाइपिंग चढ़ाकर कंप्लीट कर दिया। अब ये जो हमारे पास कट पीस इधर बचे हैं, अब इसमें से हमें साइड की वॉल निकालनी है, क्योंकि अब ये भी सिला गया है तो इसको हम फेंक नहीं सकते हैं। तो अब इसमें हम 6 इंच के पीस निकालेंगे। अब जितने भी पीस निकलेंगे तो पीस हमें निकालने हैं जो इसकी वॉल है। तो यहाँ पर हमने ये 6 इंच का एरिया लिया है, तो अब इसको यहाँ पर जब नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 14 इंच से थोड़ा ज़्यादा। तो हम 6x15 इंच का पहले पीस, 2 पीस तैयार करके निकालेंगे। तो अब हम इसमें 6x14 इंच का पीस निकालने की कोशिश करेंगे।
तो हमें 2 पीस चाहिए होंगे। और इन सबको पीस कट करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। और सब जोड़ते जोड़ते हमारी ये एक पट्टी तैयार हो गई है। तो ये हमने 29 इंच की तैयार कर ली है, क्योंकि ये जो बैग का किनारा है ये हमारा 14 इंच का एक पीस है इधर का। तो 6x29 इंच की एक पट्टी तैयार की। अब इसको हम जस्ट हाफ कर लेंगे यहाँ से। ये हमको 2 पीस मिल गए। अब इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। इस 6 इंच पर इस एक पट्टी को रखेंगे और यहाँ से जोड़ते हुए फिर इसको इधर जोड़ देंगे और दूसरा पार्ट इसका उधर जोड़ देंगे। तो पहले बॉटम से ही शुरू करेंगे। और इसको तैयार करने के बाद अब इस पर हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। और सेम प्रोसीजर में जो दूसरी 6x14 इंच की पट्टी है उसको 6 इंच से जोड़ते हुए जैसे इसको जोड़ा था उसी तरह से कंप्लीट करके पाइपिंग चढ़ा देंगे। और इसमें ये दोनों तरफ हमने दीवार भी लगा दी। अब इसमें हम ऊपर की साइड में चारों तरफ पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए भी मैंने यहाँ पर ब्लैक कपड़ा लिया है, क्योंकि ये सब अंदर बाहर पूरा ब्लैक है। तो बेल्ट को अंदर कर देंगे और पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सीधा करेंगे। और इसको हमने काफ़ी स्पेस वाला बनाया है और जितने इसके साइड से पीस कटे थे उन सबका हमने इसमें पूरा यूज़ कर लिया है। तो ये चारों तरफ से एक जैसा दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से। और ये काफ़ी इसमें स्पेस है, आप देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा शॉपिंग बैग। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।